रतन देवासी जी एक अच्छे लेजिस्लेटर होने के साथ साथ एक अच्छे लीडर हैं, ये जानते हैं। मैं दो लोगों का नाम मारवाड़ में लेता रहा हूं, संयम लोढ़ा, रतन देवासी। अच्छे लेजिस्लेटर होने के साथ साथ चुनाव कैसे लड़ा जाता है और जीता जाता है, रतन देवासी जानते हैं। इस विधानसभा चुनाव में आपको किस सीट पर सबसे ज्यादा मजा आया कि साहब, क्या चुनाव लड़ा है बंदे ने? मैं तो खुद की बात करूंगा, आपकी बात हम कर रहे हैं, तारीफ कर चुके। आप देखो, हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ा है जी। आप किसी बात उठा के देखोगे ना, तो सब विधानसभा में अलग है। जैसे जालौर सुरई में है तो हर एक का अलग अलग टाइप का चुनाव रहा, अलग अलग चुनाव। पड़ोस में बाड़मेर है, पाली है या बाड़मेर है, बाड़मेर तो आप बताओगे कि चलो बाड़मेर में आप चर्चा करोगे शिव कैसे बाड़मेर इवन खुद, तो उनका एक अलग फैन फ्लोइंग होगी। या चुनाव चुनाव जी, देखिए चुनाव के अंदर आपके समीकरण, आपकी मेहनत, निश्चित रूप से आपकी मेहनत आपको स्टैंड रखती है। हार जीत समीकरण भी तय करता है, समीकरण भी तय करता है, आपका मुकद्दर भी तय करता है। तो आपको दोनों चीजें पैरेलली चाहिए कि चुनाव समीकरणों से भी जीते जाते हैं। पॉलिटिकली आप अच्छा चुनाव लड़ने की स्थिति में जब आते हो, जब आप अच्छे पॉलिटिशियन हो, आप लोगों के बीच में रहते हो, आप उनका काम करते हो और वहां की जनता को, छत्तीस कौम के जो लोग हैं, जाति बिरादरी के, धर्म के, उनको आपके ऊपर फेथ है बिल्कुल, तो आप उस लीडर के रूप में डेवलप रहते हैं, आप फॉर्म भरने लायक रहते हैं, आप खड़े होते हैं और उस चुनाव को कैरी करने की स्थिति में आप लोग रहते हैं। मगर वो चुनाव कौन कैसे जीता है तो वो तो आपकी समीकरण क्या है बना है। तो बेस्ट है कि जो जिसका काम कर रहा है उसको उसका काम करने दो, आपके हिस्से का जो काम है वो आप करो। फैसला इस देश में लोग करते हैं, जनता करती है, न्यायपालिका करती है, कानून व्यवस्था करती है। जी, आप करापुर वाला फैसला भी चर्चा का विषय है फैसला। आप देखिए, इस कंट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। चुनाव आयोग का हम रिस्पेक्ट करते हैं, चुनाव आयोग ने इस मामले में पता नहीं संज्ञान सबने किया फिर भी संज्ञान नहीं लिया, क्या मजबूरियां थी। इंडिपेंडेंट बॉडी है इस देश में, किसी ने कुछ चलते चुनाव में कोई मंत्री नहीं बनाए। मंत्री बना सकते हैं, शपथ दिला सकते हैं, पर छह महीने में प्रत्याशी को मंत्री बना दिया, प्रत्याशी को मंत्री बना दिया, तो फिर आप कह रहे हैं कि चुनाव प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो हम चुनाव में गाइडलाइन देते हैं कि इससे ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए बिल्कुल, इतने पोस्टर आप छपाएंगे उससे ज्यादा नहीं छपाएंगे, इतनी गाड़ियां आपको दी जाएगी जी, इतनी परमिशन दी जाएगी, भी रैली की इतनी परमिशन दी जाएगी, रैली में अगर चाय पिलाइए तो कितने कप पिए उसके रेट जुड़ेंगे। तो फिर आप बताओ, ये चुनाव प्रभावित करने का नहीं था। स्ट्रेट जिस सरकार जिसकी बनी है, महीना भरी नहीं हुआ है, और उसी का व्यक्ति आप मंत्री बना दो उसी पार्टी का, और वही चुनाव लड़ रहा है प्रत्याशी और बना दो, तो मैं समझता हूँ चीजें खत्म हो गई। मगर फिर जो बात मैं कह रहा था वो है, लोग समझ आया, लोगों ने जवाब दे दिया कि हमारे वोटों की जरूरत ही नहीं है ना, आपने तो फैसला कर दिया है। ये बात